दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात के राजकोट से हिमाचल प्रदेश के 3 क्रिटिकल केयर ब्लॉक का ऑनलाइन शिलान्यास किया। जिला ऊना, कांगड़ा के टांडा और मंडी के नेहर चौक मेडिकल कॉलेज में बनने वाले इन 3 ब्लॉक पर 17.36 करोड़ प्रत्येक पर खर्च होंगे। इसके अलावा उन्होंने शिमला, हमीरपुर और मंडी के लिए 3 खाद्य सुरक्षा परीक्षण मोबाइल प्रयोगशाला वैन भी सौंपी। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नेहर चौक मेडिकल कॉलेज के सभागार में बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस सौगात के लिए आभार जताया। कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के राजकोट से वर्चुअल माध्यम से हिमाचल प्रदेश के लिए बहुमूल्य सौगातें दी हैं। क्रिटिकल केयर ब्लॉक के नाते 3 जगह, मंडी में नेहर चौक में मेडिकल कॉलेज में, टांडा मेडिकल कॉलेज में और इसके अलावा ऊना में 3 जगह लगभग 17.5 करोड़ रुपए के की लागत से जो बनकर के तैयार होंगे उनका शिलान्यास किया। और उसके साथ साथ में मोबाइल वैन का भी बहुत बेहतरीन एक शुरुआत हुई है और उसके 3 मोबाइल वैन यहाँ हिमाचल प्रदेश में आज मंडी से इसकी शुरुआत होगी और के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हिमाचल प्रदेशवासियों को सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है विकास की दृष्टि से। आज हिमाचल प्रदेश के लिए अगर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स अगर मिला है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिला है, जिसका शिलान्यास भी उन्होंने किया और उद्घाटन भी उन्होंने किया और जो बिलासपुर में बन करके तैयार हो गया है और उसके माध्यम से हम स्वास्थ्य की बहुत बेहतरीन सुविधाएं हिमाचल प्रदेश में हासिल कर रहे हैं। और उसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के लिए 3 मेडिकल कॉलेज आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से मिले हैं, चंबा का है, हमीरपुर का है और सिरमौर नाहन में भी, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में भी नाहन में। मैं एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जहाँ आज पूरे देश भर में लगभग 48,000 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास आज के एक साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से हुए, वहाँ हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए भी आपने स्मरण रखा कि यहाँ पर भी काम की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है। और क्रिटिकल केयर ब्लॉक के लिए मैं विशेष तौर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडवे जी का, जब उनका हिमाचल प्रदेश में आना हुआ था, यही मेडिकल कॉलेज में भी आना हुआ था, उस वक्त हम सब लोगों ने उनके समक्ष ये प्रस्ताव रखा था और जब प्रस्ताव रखा था और उन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि ये आवश्यकता है, इसको हम पूरा करेंगे और बात यहाँ के लिए कही थी, लेकिन उसके साथ साथ में उन्होंने 1 नहीं 3 क्रिटिकल केयर ब्लॉक हिमाचल प्रदेश के लिए उपलब्ध कराए, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और खासतौर से आज के इस कार्यक्रम में मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर हुआ, लेकिन उसके साथ साथ में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, अच्छा होता है हिमाचल प्रदेश की सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ पर होता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम में यहाँ पर जुड़े, न स्वास्थ्य मंत्री और न ही हिमाचल प्रदेश की ओर से, विशेष तौर से जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारे अधिकारी हैं, डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, जहाँ वरिष्ठ होने चाहिए थे तो उनमें से कोई यहाँ पर मंडी में उस प्रकार से उपलब्ध नहीं थे और मैं समझता हूँ इस चीज़ को हमने देखा है और महसूस किया है और इस सारी चीज़ को हमने गंभीरता से भी लिया है। आने वाले समय में इन सारे मसलों को उठाएंगे भी, बात भी करेंगे। प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं और हिमाचल प्रदेश में इतना बेसिक कर्सी गवर्नमेंट की ओर से बनती थी कि कोई सीनियर ऑफिसर, कम से कम मंत्री कहीं ना कहीं से आज के इस कार्यक्रम में जुड़ता तो अच्छा रहता। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।